कैसे दोस्तों, कल आपको क्रियात्मक समूह के बारे में बात बता रहा था मैं, और दो क्रियात्मक समूह के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। दो कौन से थे? दो थे COX, जिसको अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह कहते हैं, पूर्व लगन कार्बोक्सिल लगता है और अनुलग्न इसमें ओइक अम्ल लगता है। SO3H के लिए पूर्व लगन सल्फो लगता है और अनुलग्न सल्फोनिक अम्ल लगता है। ज्यादा आपको याद नहीं हो तो COS समूह वाले पांच पहले सदस्य बताए थे मेरे, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, पांच के लिए वेलेरिक अम्ल बताया था, और ब्यूटेरिक अम्ल के आप दो बना सकते हैं, नॉर्मल और आइसो। बेंजीन वाले पे है COS तो बेंजोइक अम्ल हो जाता है। एक आपको एक्रिलिक अम्ल के बारे में बताया, क्रोटोनिक अम्ल के बारे में बताया, उनको अपन करते रहेंगे रिवाइज। मैंने आज यही बताया आपको कि कौन से पेज पे 12वीं किताब में कार्बोक्सिलिक अम्लों के नाम के बारे में, और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए मैंने बताया उच्च वसी है, जो अम्ल होते हैं ज्यादा कार्बन वाले होते हैं उनको वसी अम्ल बोलते हैं, वसा से प्राप्त होने के कारण से, और उच्च वसी अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन भी कहलाते हैं, जिसमें मैंने आपको पामेटिक अम्ल का सोडियम लवण आप लेते हैं, जिसे ये पामेटिक अम्ल बताया था और ये स्टेरिक अम्ल बताया था, पामेटिक और स्टेरिक अम्ल। मैंने ये भी कहा था कि दो यदि COS समूह है तो डाई ओइक अम्ल बनता है, जैसे ऑक्सैलिक अम्ल के लिए जोगले ऑक्सैलिस नामक पौधे से प्राप्त होता है। ऑक्सैलिक अम्ल का आपको IPCC नाम बताया था, एथेन डाई ओइक अम्ल। तीन वाले के लिए मेलोनिक अम्ल है, प्रोपेन डाई ओइक अम्ल। चार वाले के लिए सक्सेनिक, इस तरह से चलेगा, सक्सेनिक अम्ल है, ब्यूटेन डाई ओइक अम्ल। SO3H में दो तीन नाम आपके ध्यान में रहनी चाहिए। एक तो जो एरोमेटिक में ही आता है, क्योंकि आप लोगों ने बेंजीन बनाने की जो विधि पढ़ी होगी तो ये यौगिक आता है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, सीधा है अनुलग्न सल्फोनिक अम्ल लगता है तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। यहां यदि ये लिखा आप लोगों ने तो ये चूंकि अब आप बहुत अच्छे से जानते आइसोप्रोपिल संरचना है, रूड में आइसोप्रोपिल सल्फोनिक अम्ल है, और IUPAC प्रणाली में आप अंकन करेंगे तो प्रोपेन टू सल्फोनिक अम्ल, क्या नाम रहेगा, प्रोपेन टू सल्फोनिक अम्ल, इनके बारे में कल अपन लोगों ने किया। कल मैंने आपसे बात की थी कि अपन कल थोड़ी सी राजा दशरथ की बात करेंगे, क्योंकि जो वरिष्ठता क्रम था उसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर सल्फोनिक अम्ल, उसके बाद में एसिड एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, एसिडलाइड और एमाइड। इसके लिए मैंने बता दी कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है उसमें जो क्रियात्मक समूह होता है वो होता है OH। यदि अपन इस OH के स्थान पर या इस H के स्थान पर कह सकते हैं OCO समूह रखते हैं, ये क्रियात्मक समूह दिखेगा बहुत कम होगी, कैसे जो आपके आएंगे इसमें तो आप उसको एनहाइड्राइड बोलते हैं, करेक्ट। और एनहाइड्राइड के लिए ये बताया था पूर्व लग्न तो लगता ही नहीं है, अनुलग्न लगता है, कौन सा, ओइक एनहाइड्राइड। तो मैं ये कह रहा हूं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है इसको अपन, रामायणी कहानी तो मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये जैसे राजा जनक और राजा जनक के चार बेटे, ये कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के चार व्युत्पन्न,
कार्बोक्सिलिक एसिड के चार व्युत्पन्न, इसलिए मैं चार बेटे नाम बोल रहा हूं। ये देखिए ये चारों के नाम लिखेंगे, एक बेटे का नाम है यहां पर एस्टर, एक बेटे का नाम है एसिड एनहाइड्राइड, एक बेटे का नाम है एसिड हैलाइड और चौथे बेटे का नाम है एमाइड। चार बेटे कार्बोक्सिलिक हो गया दशरथ, इसको मैं बोलता हूं दशरथ, और इस क्रम से इसे लिखा है तो आप समझ गए होंगे, इसको बोलूंगा मैं राम, इसको बोलूंगा भरत, इसको बोलूंगा लक्ष्मण और इसको बोलूंगा शत्रुघ्न। आपको तो ये पता ही होगा राम सबसे बड़े थे, भरत उससे छोटे थे, लक्ष्मण तीन नंबर पे थे और शत्रुघ्न चार नंबर पे थे। चार बेटे राम भरत लक्ष्मण, अब नाम तो राम लक्ष्मण साथ में बोलते हैं, वो तो बोलेंगे ही। अब तो आपने रामायण देखी, 14 साल तक बेचारे लक्ष्मण जी साथ गए थे राम जी के, और राम की क्या विशेषता थी, राम बड़े मधुर एकदम हंसता हुआ चेहरा, अभी तो देखिए कितना अच्छा सुखद संयोग कि रामायण चली और इस्लाम का बहुत पवित्र माह है, रमजान भी चल रहा है, जितने भी यहां पर इस्लाम धर्म को मानने वाले मेरे प्यारे बच्चे बैठे हैं उनको मैं आज इस मंच पे से रमजान की भी मुबारकबाद देता हूं। बहुत पवित्र माह है, तो राम हो चाहे अल्लाह हो उनकी तो मुस्कान अलग होती है ना, राम की मुस्कान अलग है, एस्टर ही हमारा राम है। क्यों एस्टर राम, क्योंकि एस्टर में फलों जैसी गंध आती है। आपको पता है सेव संतरा हो मौसमी इनके अंदर सुगंधी लेती है ना, कितनी अच्छी सी सुगंधी आती है उसमें सुगंध, तो इसलिए ये एस्टर मैं बोलता हूं फलों जैसी गंध आती है, एस्टर की विशेषता है। एक आपका क्वेश्चन भी तैयार हो जाता है, कहीं एबीसी का क्वेश्चन आया कि क्योंकि ये इसके फलों जैसी गंध आती है तो आप कुछ आइडिया लेंगे कि एस्टर हो सकता है। हालांकि जो अगरबत्ती परफ्यूम वगैरह आता है उनमें कीटोन ज्यादा होते हैं, कीटोन भी सुगंधित होते हैं, एल्डिहाइड भी उस तरह सुगंधित होते हैं, लेकिन एस्टर की विशेषता है फलों जैसी गंध आती है, इसलिए मैं एस्टर को क्या कह रहा हूं, राम कह रहा हूं। ऐसे लेना हाइड्राइड, भरत का आपने चरित्र देखा, लगातार आंसू बहाते रहते हैं, मां के कहीं नहीं वरदान मांगा, राम को वनवास और मेरे बेटे भरत को राज्याभिषेक, तो भरत जैसा कर्मयोगी अपने आप को बहुत ज्यादा गलानी से भरा हुआ मानते हुए लगातार पश्चाताप करता है और पश्चाताप स्वरूप आंखों से करुण आंसुओं की बूंद धरती को चूमती रहती है। वो चाहे मां से मिले, चाहे राम से मिले, चाहे अपनी जनता से मिले, उनके मन में यह पश्चाताप था कि मेरे कारण से राम को वनवास मिला और इसीलिए लगातार आंखों से आंसू की अविरल धारा भरत जी के चरित्र में अपने को देखने की मिलती है। यहां यह शब्द आया एसिड एनहाइड्राइड,
एसिड एनहाइड्राइड क्यों कहते हैं इसको, ये होता है एसिड। आर सी ओ एच कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिड बोलते हैं इसको, आर सी ओ एच। और जब इस आर सी ओ एच को हम निर्जली कारक, आप पढ़ेंगे आगे कई निर्जली कारक होते हैं, उसकी उपस्थिति में गर्म करें, निर्जली कारक Al2O3 निर्जली कारक है, P2O5 निर्जली कारक है, आपके निर्जल कैल्शियम क्लोराइड भी है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भी है, ये निर्जली कारक होते हैं। तो जब 2 मोल, ये डेल्टा का चिन्ह क्या बताता है, गर्म करने के लिए, ये हो गया निर्जली कारक। तो जल के अणु का निष्कासन होता है। ये देखिए कैसे बना भारत, जल का निष्कासन होता है और ये यौगिक बन जाता है। एनहाइड्रेशन, आपको पता है जब गर्मी का मौसम होता है उल्टियां वगैरह काफी होने लग जाती है, तो उल्टियां वगैरह जब होती है तो हम कहते हैं चल डॉक्टर बोलता है इसके ग्लूकोज चढ़ाओ। मेरे बहुत से स्टूडेंट है, वो तो मैं कई बच्चों से मिलता हूं, मान लीजिए कि ग्लूकोज चढ़ गया मजा नहीं आता उनको, ग्लूकोज फाकड़े में जो मजा आता है ना वो ग्लूकोज चढ़ने में नहीं आता। वो कहते डॉक्टर साहब ग्लूकोज फाकड़े ठीक होने के मिठो है नहीं, एक डब्बो लगा वो समझो चमचा चमचा भर गए स्वाद लगे, मैंने आजकल तो अलग 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 फ्लेवर आने लग गए, तो बच्चे जो होते हैं घोल घोल के पीना नहीं चाहिए, अच्छा है एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट तो एनर्जी का रिसोर्स होता है, ऊर्जा देता है हमें शरीर में। इसीलिए जितने भी लोग उपवास करते हैं, बड़े बड़े जब लंबे उपवास चलते हैं तो शहद पानी में घोल के पीते हैं, क्योंकि शहद कार्बोहाइड्रेट का सबसे बड़ा रिसोर्स है। इसलिए आयुर्वेद में जो भी दवाएं देते हैं उसमें शहद मिला के देते हैं, तो आपकी कार्बोहाइड्रेट टॉपिक है, इसलिए मैंने बोला है जो शरीर को ऊर्जा दे रहा है, ये मान लीजिए। यहां मैं जो कह रहा हूं वह है एनहाइड्रेशन शब्द का, एनहाइड्रेट जब भी बोलते हैं आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, एनहाइड्रेशन का मतलब जल का निकलना, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का देखो नाम ही है एसिड एनहाइड्रेट, ये एसिड और ये जल निकला तो क्या बन गया एनहाइड्रेट। ये तो समूह होता है जो आप लिखते हैं क्रियात्मक समूह है, यहां पर फिर आठ जुड़ गया कुछ तो जुड़े गई, तो कहने का मतलब ये हुआ कि एस्टर राम है और एसिड एनहाइड्राइड भरत है, एसिड हैलाइड जो आप बोलते हैं। आज एक बच्चे ने गलती की, उसने कहा सर जो आपने क्वेश्चन पूछा गया उसका उत्तर आया, और एक बच्चे ने इसे लिखा RCOX, तो मैंने उसको वापस बताया कि ये X आपने गलत लिख दिया, ये गणित वाला X नहीं है, ये हेलोजन वाला X है, और हेलोजन अब तो आपके बड़े परिचित हो गए, हेलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाला, सबसे प्रबलतम ऑक्सीकारक भी, क्लोरीन सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन अध्ययन थैली वाला, कमरे के ताप पर फ्लोरीन और क्लोरीन गैसीय अवस्था में होती है, ब्रोमीन द्रव अवस्था में होती है, आयोडीन ठोस अवस्था में होती है, लेकिन चारों में एक एकता जरूर है, चारों अधातु होते हैं, चारों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, क्योंकि एकदम पड़ोस के अंदर अक्रिय तत्व नींद लेते हैं NH2NP6 विन्यास होने के कारण से, तो इनका भी मन करता है एक इलेक्ट्रॉन ले लें, एक इलेक्ट्रॉन लेंगे अब चेत होंगे, इसलिए ऑक्सीकारक कहलाते हैं, ये बात मैंने बताई थी। तो ये एक्स यदि कोई लिख रहा है तो ये गलत हो गया, ये लिख रहा है सही है, तो ये हेलोजन के लिए, क्योंकि एक्स बराबर एक तरह से क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होगा, इसलिए से नाम एसिड से लिया, एसिड का व्युत्पन्न इसलिए क्या लिखा देखो एसिड, और ये हेलोजन जुड़ा इसलिए क्या बोला एसिड हैलाइड। हेलोजन क्रियाशील बहुत होते हैं, आपको पता है कि
हेलोजन की क्रिया सीधा क्रम बोले तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये क्रम है हेलोजन की क्रिया सीधा का। इसीलिए एक दिन मैंने फ्लोरीन के लिए बोला, बोले तो उसके तो नाराज हो गए मेरे से, कैसे कैसे गुरुजी हैं हर कुछ बोलते हैं, हाइड्रोजन का आवारा तो कहते मुझे शैतान कहते। मैंने सर शैतानी कब की, अरे भाई ज्यादा क्रियाशील है, ज्यादा क्रियाशील है उसका नाम है शैतान तत्व है, सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व है ना फ्लोरीन। तो यहां एसिड हैलाइड आप लोगों ने वो भी फिर रामायण की, इसीलिए कह रहा हूं आज रामायण की स्टोरी सुना रहा हूं। राम मर्यादा के प्रतीक, तो भरत धर्म के प्रतीक और लगातार अभी आंसू की बरसात एनहाइड्रेट के रूप में, तो मेरा लक्ष्मण सदैव एंग्री यंग मैन के रूप में, अमिताभ बच्चन का रोल उसी से है, अमिताभ बच्चन बोलते हैं एंग्री यंग मैन, लक्ष्मण को देख के तो गुस्सा आने छोटी सी बात पर, वो तो रामचंद्र जी साथ थे और बार बार बोलते भैया कूल कूल, जय लक्ष्मण कोष आया रामचंद्र जी ठंडे पानी के छिंटे दे दिए और लक्ष्मण का मजा नहीं आया, भैया आपने मजा आ रहा था अभी मैं तीर मार देता आपने फिर, तो ये हेलोजन आ गया। इसलिए मैं कहता हूं लक्ष्मण है, क्योंकि हेलोजन क्रियाशील होता है और जो क्रियाशील होता है ना, आप में से भी जो स्टूडेंट कई बार हम लोग आपको ये बोल देते हैं ये कमल हमसे नाराज हो गया, क्यों नाराज हो गया, एक दिन मैंने बोल दिया कि तू पढ़ता नहीं है और तेरी नीयत खराब है, तो मेरे से नाराज हो गया गुरु जी आपने से कैसे मेरी क्या नीयत खराब है। अरे नीयत खराब का मतलब क्या होता है कि जो आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर जितनी एनर्जी है, वो एनर्जी यदि आप नहीं लगा रहे हैं तो मैं उसको नीयत खोट मानता हूं। इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि शैतान या क्रियाशील, क्रियाशील होना बुरा नहीं है, नकारात्मक रूप से क्रियाशील होना बुरा है, क्रियाशील होना बुरा नहीं है, हम तो क्रियाशीलता को अच्छा ही मानते हैं, क्रिएटिव हमें बहुत बढ़िया लगता है, इसलिए नाम ही निकाला आदर्श क्रिएटिव स्कूल, क्रिएटिविटी को पसंद करते हैं, लेकिन पॉजिटिव होनी चाहिए। तो एसिड हैलाइड मैं जो कहना चाह रहा हूं एक बार याद करने के लिए, वो क्या हो जाएगा एसिड लाइट, ये हो जाएगा लक्ष्मण, क्या हो जाएगा, और सबसे अलग, सबसे अलग, और आपको पता है कि पूरे रामायण के अंदर जिसका पत्र का ज्यादा बाद में तो देखिए आप लास्ट में कि राजा बना दिया शत्रुघ्न को, लेकिन नए शत्रुघ्न राम जी के साथ वन में गए, मैं भरत जी के साथ सन्यासी के रूप में रहे, मैयाओं की सेवा किया, पानी पिलाया, चाय पिलाया, पेट दबाया, राजमहल में रहे, और देखो जिसके राजयोग होता है उसके राजयोग ही होता है। शत्रुघ्न राजमहल में रहे, रामचंद्र जी कृपा भी सबसे छोटा भाई था, इसलिए आपने देखा कि सबसे पहले जो राजा बना राम जी के बाद में भरत, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर था, कंपटीशन हुई थी, मेरे दिमाग में आता है सबसे पहला कार्यवाही प्रधानमंत्री कौन थे तो भरत थे, रामचंद्र जी खड़ा हो लेके चले गए और अगर भी आप नहीं आओगे तब तक मैं राज कर लूंगा, उसको केयरटेकर बोलते हैं, लेकिन सचमुच के जो राजा बने वो शत्रुघ्न बन गए, तो अलग थे, न ज्यादा लड़ाई लड़ने गए न कोई और करने गए, राजमहल में रहे फिर राजा बन गए, और लास्ट के अंदर जब रामचंद्र जी गए तो साथ में हो गए कि ठीक है अपन राजा थे राजा रह गए, माइंड हमारा सबसे प्यारा सबसे न्यारा है। ये कई गुणों के अंदर आगे बढ़ेंगे अपन, अलग गुण दर्शाता है, इसलिए मैंने इसको नाम दिया शत्रुघ्न। तो चार है ये, कौन कौन से, एस्टर एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड और एमाइड, इन चारों यौगिकों के नाम आपको अनुलग्न यदि याद है, देखिए
एसिटाइल नाइट्राइड का तो मैंने अनुलग्न बताया था ओइक नाइट्राइड। अब देखिए यदि कई स्टूडेंट्स होते कैसे होते हैं जिनको ये कार्बोक्सिल अम्ल के बारे में ध्यान है, ये कौन सा है एसिटिक अम्ल, तो इसको जब अपन अभी मैं कह रहा था निर्जलीकरण होता है तो क्या बन जाएगा। अब देखिए इसका कैसे नाम लिखते हैं, इसका नाम लिखते समय इससे देखो आप कितने कार्बन थे, दो मोल ले रहे इस मोल के थे मोल, दो मोल ले रहे हैं तो देखिए ये बन गया किसका है नाइट्राइड, जैसे पकड़ लो आप, आपको तो सर ये एसिटिक अम्ल का नाइट्राइड रूल प्रणाली के हिसाब से एसिटिक अम्ल का नाइट्राइड, ऐसे बोलो पांच बार बोलो मेरे साथ, सारे बोलो आप पीछे वाले बोलो एसिटिक अम्ल का नाइट्राइड, एसिटिक अम्ल का नाइट्राइड, एसिटिक अम्ल का नाइट्राइड, किसका नाइट्राइड एसिटिक अम्ल का, किसका इधर वाले बोले आप शाबाश, तो इसलिए इसका रूट नाम एसिटिक एनहाइड्राइड हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा एसिटिक अम्ल का एनहाइड्राइड। अब एसिटिक अम्ल को आईयूपीएसी में क्या कहते हैं तो आप इसे सब जानते हैं अच्छे, नोइक अम्ल कहते हैं और अनुलग्न एनहाइड्राइड के लिए क्या लगा ओइक एनहाइड्राइड, क्या लगाया ओइक एनहाइड्राइड, ये तो अनुलग्न ओइक एनहाइड्राइड। तो आईपीसी क्या बोलते हैं एथेनोइक अम्ल, इसलिए इसको बोल देंगे एथेनोइक एनहाइड्राइड। अब समझ लो इसको, इसमें कोई कोई देखो चार है ना, अरे ये बीच में वो आ गया ना वो कार्बन इस तरह लगा लगातार करते हैं, क्या करते हैं लगातार, अब ये बीच में टूट गया ना तो दो ही रह गई, इधर भी कितने रहेंगे दो होंगे भी अम्ल है ना ये एनहाइड्राइड है, तो जितने कार्बन का है इस ओ के दोनों तरफ उतने कार्बन आने हैं और एक तरफ वाले कार्बन देख लो आप तो, क्योंकि चार तो है नहीं इसमें कंटिन्यू चार नहीं है, कार्बन तो है नहीं लगातार नहीं है, तो क्या नाम होगा एसिटिक एनहाइड्राइड, किसके कारण से एसिटिक अम्ल का एनहाइड्राइड, किसका एसिटिक अम्ल का एनहाइड्राइड, इसलिए इसको क्या बोलेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड। आईपीसी क्या बोल देंगे दो कार्बन है तो एथेनोइक एनहाइड्राइड। इसी प्रकार से तीन यदि कार्बन होते CH3 CH2 CO O CO CH2 CH3, अब देख लो इसको देख के बता लो इधर कितने कार्बन है अभी तीन तीन, रूढ़ नाम क्या होगा तीन कार्बन वाले अम्ल का रूढ़ नाम होता है प्रोपियोनिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल, और आईपीसी क्या बोलेंगे प्रोपेनोइक अम्ल, क्या बोलेंगे तो इधर भी तीन होने ही है, इसका मतलब प्रोपेनोइक अम्ल का निर्जलीकरण किया तो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड बन गया। अब इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। सामान्य रूप से देखा जाए तो दोनों तरफ बराबर ही आते हैं, लेकिन यदि कोई ऐसा नाम दे दिया कि वो एनहाइड्राइड तो है लेकिन दोनों तरफ कार्बन बराबर नहीं है, एक सरल उदाहरण ले लेते अपन, इधर कितने कार्बन है दो, इधर कितने तीन, ये दो वाला एथेनोइक होता है तीन वाला प्रोपेनोइक होता है, अंग्रेजी वर्णमाला से लिख लो आप एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, इधर दो है इधर तीन है तो एनहाइड्राइड तीन ही सूत्र याद कर लो आप तो पर्याप्त है, लेकिन कई बार जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये लिख दिया किसी ने
और आपके सर अभी तो पता ही नहीं चला क्या है। मैंने ये बताया था कल कि डबल जब होता है दो बार लिख दिया आपने, आपने ऐसे लिखा CH3 CO का ट्वाइस हो, चाहे आपने ये लिखा CH3 CO ऐसे लिखा कहीं ऐसे लिखा ना, इसका मतलब क्या है कि इस O से दो CH3 यानी इसको खोल के देख लो आप, इधर भी ये संरचना है और इधर भी ये संरचना है और देख रहे आप बता देंगे शरीर एनहाइड्राइड वाली बात आ गई। तो यहां O जो लिखते हैं ना इसके दोनों तरफ एक से समूह है CH3CO CH3CO। कल मैंने ये तीसरा क्रियात्मक समूह हो गया, पहला कार्बोक्सिलिक अम्ल, दूसरा सल्फोनिक अम्ल, तीसरा एनहाइड्राइड। कल मैंने आप लोगों को पांच क्रियात्मक समूह देखिए मैंने ओपन किया था, कोई पांच आप लिख दीजिए और कोई पांच लिख करके आप लोगों को उनके नाम ही दे दीजिए। तो कुछ बच्चे गलती भी कर रहे हैं, कोई बॉन्ड नहीं लगा रहा है, कोई संरचना नहीं बना रहा है, फिर भी प्रयास आपका अच्छा रहा। सबसे पहले जिनका जवाब आया कल वाले में अरमान खान तो है ही, इसलिए उसको कॉमन विजेता मान रहा हूं मैं। इसके अलावा तो और बोल देता हूं कि अरमान खान के तो रुपए जो है मुझे पीएम केयर फंड में जमा कराने हैं, उतनी राशि और मिलानी है। इसके अलावा दो स्टूडेंट ने तेज जवाब दिया, दोनों दे हैं आज। पहला है स्नेह लता काकरवाल, तुम हो गया स्नेह लता नाम से है, अब ये काकरवाल है सकरवाल है मेरे पास ये लिखा है नाम जो भी है स्नेह लता नाम है। और दूसरा जो विजेता है अरमान के अलावा वो है इंदिरा सारण, और दोनों ही नाम दिए हैं आज, जोरदार तालियां। देखिए जोश बढ़ता जा रहा है बच्चों में, हालांकि देखो बड़े बड़े वीडियो देखने में बड़ी दिक्कत आती है, आज मैं थोड़ा छोटा डालूंगा आप लोगों के लिए ताकि आप लोग उसको पढ़ सके, लेकिन थोड़ा ध्यान से आप सुनेंगे तो उत्तर आते रहेंगे। इसके अलावा अश्मी राजपुरोहित, पिंकी पारिक, दीनदयाल, मनोज पारिक, काजल दैया, वर्षा गोदारा, महेश बेनीवाल, हेमा शर्मा, सुनंदी सारण, भावना सेनी, निखिल सोनी, पायल सेवदा, देवेंद्र सिंह, जया शर्मा, पूजा सारण, देव किशन और प्रियंका कंवर, इन्होंने भी जवाब दिए। उन्होंने एक आधे में हो सकता है थोड़ी बहुत गलती है, उसको मैंने उनको बता दिया था कि आप ये गलती कर रहे हैं, उन गलतियों को उन्होंने दूर भी किया। सबसे बढ़िया बात होती है कि स्टूडेंट वापस रिप्लाई कर रहे हैं कि सर हाँ ये गलती हुई, ये हमने करेक्ट कर लिया है, ये सही है क्या। तो आप अच्छा रहता है, कई बार आप ऐसे टाइप करते हैं व्हाट्सएप से, ये मेरे से लिखा नहीं जाता सी फॉर एस्टेन व्हाट्सएप पर नहीं लिखा जाता भाई, तो मैं क्या करता हूँ पन्ने में लिख करके फिर भेज देता हूँ कोई पूछता है। स्टूडेंट आपसे भी ये निवेदन है कि यदि लिखने में दिक्कत आ रही है तो आप उस पन्ने पर लिख कर भेजिएगा। आज का जो क्वेश्चन है मेरा, आपको चार यौगिकों के सूत्र लिख के मुझे भेजने हैं, चार यौगिकों के, ध्यान से सुन लीजिए। पहला एक्रिलिक अम्ल, दूसरा नॉर्मल वेलेरिक अम्ल, तीसरा टू फेनिल एथेनोइक अम्ल, चौथा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल और पांचवा सक्सीनिक अम्ल। एक्रिलिक अम्ल, नॉर्मल वेलेरिक अम्ल, टू फेनिल एथेनोइक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल और सक्सीनिक अम्ल, इनकी आपको संरचना बनानी है
और आईपीसी नाम लिखे, इनकी संरचना और आईपीसी नाम, पांच बोले एक्रिलिक अम्ल, नॉर्मल वेलेरिक अम्ल, टू फेनिल एथेनोइक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक और सक्सिनिक अम्ल। ये पांचों के आप जवाब थोड़ा तेज देने की कोशिश करें। एक जो दिक्कत आ रही है मैं देख रहा हूं, उतार लो आप लोग, एक जो दिक्कत आ रही है कि आप लोग पूरा नहीं देखते, कई स्टूडेंट उड़े हैं तेज तराट हो गए कि गुरुजी लास्ट नंबर से मुझे लेरू देगा, अरे तुम्हें पढ़ना तो है, पूरा सुने पूरा देखे बार बार देखे, रिपीट एंड अगेन और ज्यादा ज्यादा बच्चों को इसको दिखाएं आप, कोई भी आपके संपर्क में उसको दिखाएं, फिर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है वो आप पूछे। जैसे आज अरमान खान ने एक बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन पूछा, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जो कि सामान्यतः वैसे नहीं आता है, लेकिन ऐसी एक संरचना थी। क्वेश्चन पूछा तो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ये संरचना पालोइन है, ये आती है आपके बेंजल बेंजिल, ये आती है बेंजल, ऐसे आती है ना दो हड़ गए मान लीजिए, इसी प्रकार से एक ही कार्बन से जब दो हाइड्रोजन अट जाते हैं, दो का हाइड्रोजन तो डीन शब्द आता है, क्या आता है डीन, डीन बोले तो जैसे एक बहुत सरल उदाहरण लेता हूं मैं, ये यौगिक है, देखो इस यौगिक को हम दो नाम से बोल सकते हैं, ये जेम डाइहेलाइड है, एक कार्बन पर दो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वो जेम डाइहेलाइड कहलाता है, ये जेम डाइहेलाइड है, एक ही कार्बन दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसको हम बोलते हैं एथिलीडीन क्लोराइड, क्या बोलेंगे एथिलीडीन, डीन शब्द आता है एक कार्बन पर दो हाइड्रोजन होने से, एथिलीन क्लोराइड भी बोलते हैं, दोनों नाम इसके एथिलीन क्लोराइड एथिलीडीन क्लोराइड। तो यहां जब डबल बॉन्ड लग गया तो साइक्लो है ही, ये साइक्लो एक्सिलीडीन हो गया, क्या हो गया साइक्लो एक्सिलीडीन साइक्लो एक्सेन, ये जनक तो एक को तो आप देखो एक ये है जैसे सिर्फ इतना होता साइक्लो एक्सेन बोलते हैं, एक है चढ़ता साइक्लो एक्सिल, साइक्लो एक्सेन से साइक्लो हेक्सिल, और दो अड़े साइक्लो एक्सिलीडीन साइक्लो हेक्सिलीडीन, और ये जनक रह गया इसको साइक्लो एक्सेन बोलते हैं। तो ये नाम तो फिर भी आपके समझ नहीं आएगा, लेकिन ये आप जरूर समझ सकते हैं कि एक ही कार्बन पर दो हाइड्रोजन जुड़ जाए, तीन यौगिकों का नाम बता रहा हूं याद याद करना आप लोग, बारहवीं क्लास के जो आप हाइड्रोजन व्युत्पन्न का पाठ पढ़ रहे हैं उसमें आएगा, यह आ जाएगा एथिलीडीन क्लोराइड, यह आ जाएगा नॉर्मल प्रोपिलीडीन क्लोराइड, नॉर्मल प्रोपिलीडीन क्लोराइड, और यह आ जाएगा आइसोप्रोपिलीडीन क्लोराइड, तीन नाम बोल रहा हूं, एथिलीडीन क्लोराइड, यह आ जाएगा नॉर्मल प्रोपिलीडीन क्लोराइड, यह आ जाएगा आइसो प्रोपिलीडीन क्लोराइड, और एक ही कार्बन पर जब दो हाइड्रोजन जुड़ते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं जेम डाइहेलाइड, ये किस किसके प्रकार हो गए जेम, निकटतम कार्बन में जो जुड़ते हैं उसको बोलते हैं विसिनल डाइहेलाइड, क्या बोलते हैं विसिनल डाइहेलाइड। तो ये आप कह रहे इसका आईपीसी नाम तो बता ही सकते हैं 1,1 डाइक्लोरो एथेन, इसका आ जाएगा 1,1 डाइक्लोरो प्रोपेन, इसका आ जाएगा 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। तो आज आपको मैं इतने बताना चाहूंगा क्योंकि आज ओले पड़े थे, छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े ओले, और उसके कारण से लाइट की प्रॉब्लम चली, लाइट चली गई,
क्लास छोटी होती है, बच्चे भी जो बरसात बरसूत होती है तो पढ़ने का थोड़ा मूड कम हो जाता है। तो कल अपन आज हमने बात कर ली, क्योंकि देखिए आप बोलेंगे सर राम बड़े थे और आप भरत के बारे में पहले बोल रहे हैं, और मैं कह रहा हूं कि चाहे राम बड़े थे लेकिन राजा पहले भरत बने, पहले उनको अयोध्या राजा बनाए, 14 साल रहे जब राम वनवास में थे, इसलिए आज हमने केयरटेकर रूप में ऐसे एना हेड्रेड को राजा बना दिया, एना हेड्रेड अनुलग्न लगाते हुए और उस राजा के 3 नाम पढ़े हमने, एथेनोइक एनहाइड्राइड, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। जय हिंद, जय भारत।